पर प्रभु श्री राम का अपमान करना राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करना राम सेतु के राम के अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह लगाना कोई कांग्रेस के नेता कहे कि हमें राम मंदिर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा इस प्रकार के जब बयान सब आते हैं और उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि ये लोग बात कर रहे हैं कि देश के रिसोर्सेस का पहला हक एक धर्म का एक समुदाय का होना चाहिए तो इससे ध्यान में आता है कि ये मुस्लिम लीग की तरह बात कर ये ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर मुसलमानों को दे देंगे इसको आप कैसे देखते हैं ये कहां ये तो सुप्रीम, ये सुप्रीम हम तो रूल ऑफ द लॉ में विश्वास करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक तय कर रखी है सीलिंग उस सीलिंग में आज ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन बांटी हुई है और मंडल कमीशन रिपोर्ट तो कब से आई थी पर कांग्रेस ने कभी लागू नहीं की थी एक गैर कांग्रेसी सरकार आनी पड़ी जिसने मंडल कमीशन से ओबीसी को आरक्षण दिया अगर आप देखें तो हमने जब आरक्षण इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को दिया तो वो भी हमने आउटसाइड द ओबीसी एस टी कोटा दिया जिससे उसको टच नहीं किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है सोशल और इकोनॉमिक कारणों से जो रिजर्वेशन है वो एक सीमा तक हो सकती है और उसमें अगर ये मुसलमानों को जोड़ते हैं तो मुस्लिम धर्म में तो सोशल बैकवर्डनेस का सवाल उठता ही नहीं है कि उसमें तो कास्ट सिस्टम है ही नहीं तो स्वाभाविक रूप से एक तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है पहली बात ये देना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अगर उसको देने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ओबीसी या एस सी की रिजर्वेशन छीन के रिजर्वेशन देनी पड़ेगी ये। तो अगर एक धर्म के आधार पर रिजर्वेशन ये देना चाहे किसी को भी और उसके लिए ओबीसी एस सी एस टी रिजर्वेशन को छीन ले ये कदाई भी ये देश स्वीकार नहीं करेगा राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग जो है नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते अगर उनके साथ ईडी सीबीआई और ईवीएम ना हो इसका साथ लेकर ही वो मैच फिक्सिंग करते हैं और चुनाव जीतते हैं इसको अब आप कैसे देखते हैं ईवीएम में कर्नाटक में वो चुनाव जीते या तेलंगाना में जीते तो उन्हें तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए कि ईवीएम के चुनाव रिजल्ट गलत है तो उन्होंने रिजाइन करके डिमांड करना चाहिए कि हम सरकार बनाने का बहिष्कार करते हैं हम तो बैलेट बॉक्स वापस चाहते हैं और उसके बाद ही चुनाव में आएंगे बार बार तय तो कर ले भाई क्या उनके मन में कल्पना है सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो इमोशनल और ब्लैकमेल करते रहते हैं कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में गया तो तो बड़ी डेमोक्रेसी सेव सत्यमेव जयते सुप्रीम कोर्ट की तारीफ और कभी रामलला का मंदिर के हक में गया कि राम लला का मंदिर बनना चाहिए तो तब ये सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं ईवीएम का भी फेवर में आया ईवीएम का भी फेवर में आया एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय हुए और कितनी सिली बात है कि आज जो लाखों ई देश भर में इस्तेमाल होती है दे आर नॉट इंटर कनेक्टेड ऑन द नेट मतलब इनका इतनी सोच ओछी है मतलब आई उड से इट इज बिलो कंटेम्प्ट टू इवन इमेजिन के देश में बारह लाख से अधिक कितने ई वी एम चलती हैं दे आर नॉट इंटर कनेक्टेड तो अगर किसी प्रकार का भी कुछ गलत काम हो तो बारह लाख ई वी एम्स को टैंपर करना पड़े और उस हिसाब से अगर चलें तो तो विपक्ष की किधर भी कोई सरकार या कोई चुनाव में जीतने का सवाल ही नहीं उठता तो बड़ा सिली नैरेटिव है पहले से जानते हैं कि हारने वाले हैं तो अभी से ग्राउंड्स बना रहे हैं कि क्या नैरेटिव क्रिएट करेंगे जिससे राहुल गांधी की हार है इससे बचाने के लिए ये ईवीएम की हार है कल को बोल देंगे शरद पवार की वजह से हार गए कल बोल देंगे उद्धव ठाकरे की वजह से हार गए क्योंकि उन्हें राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार को बचाना है रही बात ईडी सीबीआई की मैं समझता हूँ कानून अपना हिसाब से चलता है देर इज अ रूल ऑफ लॉ आपने भ्रष्ट काम किए तो आप पकड़े गए अगर इफ यू गॉट कॉट विद योर हैंड इन द ट तो कानून अपना काम करेगा ही पर एक बात तो है पीयूष जी की ज्यादातर जो जो केसेस ईडी के जो रेड्स हो रहे हैं वो अपोजिशन पार्टीज में ही हो रहे हैं अभी एक नेशनल न्यूज़पेपर ने एक रिसर्च भी किया था उन्होंने देखा कि करीब पच्चीस नेता जो बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों में चले गए उनमें से तेईस नेताओं के खिलाफ या तो केस ड्रॉप हो गए या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तो इसको कैसे देखें मुझे लगता है कि लॉ लॉ टेक्स टेक्स इट्स इट्स ओन ओन कोर्स टाइम आल्सो पर हमारी सरकार किसी केस में इंटरफेयर नहीं करती है ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं इनको अपना काम करना है और मुझे लगता है बिफोर वी टेक एनी इन आर पार्टी हम ये भी देखते हैं कि किस व्यक्ति के ऊपर कैसा केस है और वेदर वो व्यक्ति आ, हमारी पार्टी के इथॉस में फिट होगा कि नहीं अगर किसी ऐसे कितने लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं जिनको हम नहीं लेते हैं हमारी पार्टी में अगर हमें लगता है कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड ऐसा है कि हम हमारी पार्टी में नहीं ले सकते और अगर उनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं तो वो वो अगर, नहीं दबाए जाएंगे वो 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 तो कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स ऐसे कोई केस हमारी वजह से बंद हो जाएंगे तो संभव नहीं है क्योंकि ये एजेंसीज इंडिपेंडेंटली चलती है कोई हमारे कहने पे नहीं चला सकते एक और नैरेटिव जो थोड़ा यहाँ पे चला है चुनाव में पिछले कुछ चरणों में वो रहा है इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव और उसमें शुरू शुरू में ये हुआ कि ये भारत वो भारत नहीं है जो तमाशा देखता रहेगा खड़ा होकर घर में घुस मारेगा कुछ ये भी बातें चली थी कुछ गार्डियन में एक फॉरन पब्लिकेशन उसमें आर्टिकल भी आया था कि कुछ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ बीस टेररिस्ट को पाकिस्तान के सॉइल में मारा तो ये सब इन सब पे टिप्पणियाँ भी हुई हैं हम लोगों ने तो इसको आप कैसे देखते हैं मनी शंकर अय्यर जी ने अभी आके कहा कि जो है पाकिस्तान के संग हमको खिलवाड़ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए ऐसे में उनको ये नहीं समझना चाहिए कि उनके पास एटम बॉम्ब है वो भी रिएक्ट कर सकते हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं ये भी एक तरीके से तुष्टिकरण का ही नैरेटिव है देखिए भारत में बहुत स्पष्ट नीति है कि ना हम दूसरे देशों के राजनीति में इंटरफेयर करते हैं ना दूसरे देशों ने हमारी राजनीति में इंटरफेयर करना चाहिए पहली बात दूसरी बात पुराने जमाने में हमारी कमज़ोर सरकारें रही हैं तो सब लोग जानते हैं टेररिस्ट हमारे देश में और मैं तो मुंबई के हूँ मुंबई में आके जिस प्रकार से आ, हमें टेररिस्ट अस टू रैंसम और कितने हमने हादसे देखे हैं मुंबई में चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो या टेरर अटैक हो दो का ऐसी परिस्थिति में ये जो नियती सरकारें कांग्रेस ने इस देश को दी उसका जरूर हर देशवासी को दुख है और आज हर देशवासी को गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालाकोट में स्ट्राइक किया या उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक किया एक बार देश का मनोबल बढ़ा देश को सुरक्षा का एक माहौल मिला देश में हर एक व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया और ये बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में एक महिला ने मुझे देखते ही कहना शुरू किया आप मेरी बात मोदी जी तक पहुंचाइए क्या हम बहुत खुश है मोदी जी को ही वोट करेंगे और मैं एक महिला के नाते कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ आज भारतीय होने होने के में और फिर लंबा उन्होंने एक बड़ा उज्जस्वी बहुत बहुत एक्साइटमेंट के साथ एक डेढ़ मिनट तक मुझे सुनाती रही कि मोदी जी को ये बताना मोदी जी को ये बता तो आ, आ, यू, आज मूड ऑफ द नेशन है कि भारत को फाइनली स्वाभिमान मिला है जी। भारत अब झुकने वाला नहीं है किसी के साथ ये जो नई सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आई है भारतवासियों में मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता का यह भी एक बहुत बड़ा कारण ऑपोजिशन का कहना है पाकिस्तान को तो आग दिखाते हैं मगर जब चाइना की बात आती है तो उस पर जो है सीधा कोई जवाब नहीं देते हैं तो चाइना ने हमारी जमीन हथिया ली उस पर हमारा कोई उस पर आप लोगों को राहुल जी हमारी जमीन चाइना ने बीजेपी के समय नहीं हतई थी कांग्रेस के समय आते आई थी वो तो कांग्रेस खटगरे में और कांग्रेस ने जवाब देना है कि हमारी जो जमीन चाइना ने उनके समय ली जिस युद्ध को हम हारे कांग्रेस के समय उसका जवाब तो दे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासन में भारत की सीमाएं सुरक्षित है भारत के सेनानियों का हमारे आर्म फोर्सेस का सुरक्षा बलों का हौसला भी बुलंद है आज मुँह तोड़ जवाब देते हैं अगर कोई हमारी तरफ आग पी उठा के देखते हैं पैंगोंग वैली का आपको याद होगा कैसे हमारे जवानों ने एकदम जवाब दिया और एक व्यक्ति नहीं वहाँ अपने मोर्चे से हटा आज उनको हमने एक्विप किया है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज विद द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट कांग्रेस के समय में तो आपको ध्यान होगा कि हमारी इक्विपमेंट या हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इतनी वीक हो गई थी जी